की स्थिति ऑपरेशन कायाकल्प में काफी अच्छी हुई। ऑपरेशन कायाकल्प के अगले चरण के कार्यक्रम को लेकर के भी हम लोगों ने नए कदम बेसिक शिक्षा परिषद ने बनाए, जिसमें पीएम श्री स्कूल के रूप में आज उनका आधुनिक स्वरूप भी हम सबको देखने को मिल रहा है। स्कूली शिक्षा का मॉडल क्या हो सकता है? हमने 18 कमिश्नरी में 18 अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय, मैं चाहूंगा एक बार वहां के पठन पाठन के माहौल को, वहां की कार्य पद्धति को, वहां पर चल रही गतिविधियों को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे प्रधानाचार्यों को जरूर विजिट करना चाहिए। ये सभी बच्चे कौन है? वहां अध्ययन करने वाले बच्चे निर्माण श्रमिकों के बच्चे हैं या निराश्रित बच्चे हैं, और सरकार उन्हें वहां पर आज पढ़ाने का काम कर रही है। अगर यह कार्य वहां हो रहा है, 18 जगह हम कर रहे हैं, तो ऐसे 57 नए कंपोजिट सीएम कंपोजिट स्कूल हम लोग प्रदेश के अन्य जनपदों में भी बनाने की तैयारी कर चुके हैं। उसके लिए धनराशि हमने पहले ही उपलब्ध करवा दी है बेसिक शिक्षा परिषद, लेकिन ये डे स्कूल होंगे, दिन में चलेंगे, बच्चे अपने घर से आएंगे, दिन में वहीं पे चलेंगे, और एक मॉडल होगा शिक्षा का। इसके अलावा 75 जनपदों में भी इस प्रकार के अन्य स्कूल मॉडल के रूप में बनाने की कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश को शिक्षा के जगत में एक बार फिर से दुनिया के अंदर विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए जो अभियान प्रारंभ किया है, हम सबको इसका हिस्सा बनना है, और मुझे लगता है यह एक उसका विनो प्रयास है।